on the basis of injection unit, we can classify injection molding machine. Single stage plunger, two stage plunger, two stage screw plunger and reciprocating screw type. और क्लैंपिंग यूनिट के आधार पर हाइड्रोलिक टाइप क्लैंपिंग तथा टॉगर क्लैंपिंग मशीन हॉपर रॉ मटेरियल को हम लोग सबसे पहले हॉपर में रखते हैं और हॉपर से मटेरियल हमारा बैरल में आता है और बैरल में आने के बाद नोजल में और नोजल से हम प्लंजर द्वारा इसको मोल्ड में प्रवेश करा देते हैं। मैं भरतपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं 12th पास हूँ। मेरी फैमिली सामान्य है क्योंकि मैं मेरी फैमिली की मदद करना चाहती थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे को सीपैट के बारे में पता लगा तो मैंने सीपैट में ट्रेनिंग करी, सीएनसी मिलिंग का कोर्स किया था मैंने और उससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उससे मेरे को जॉब भी मिली, जॉब भी मेरे को बहुत अच्छी मिली। अभी मैं इस टाइम जयपुर बाइज गोदाम हेल्थ केयर बिड्रोमेट हेल्थ केयर कंपनी में काम कर रही हूँ। उसमें मेरे को अच्छा पैसा भी मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। एनोलम और सीपैट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को जॉब दिलवाई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है, कोटा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। सीपैट के बारे में मेरे दोस्त ने बताया था कि सीपैट का कोर्स करने से जॉब मिलेगी, तो मैंने कोर्स किया और प्लास्टिक एक्सीजन का कोर्स था जिससे मुझे जॉब ऑफर हुई। तो मैंने वो जॉब की और उस जॉब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सैलरी भी बहुत अच्छी है और मैं अपने परिवार की भी हेल्प कर पा रही हूँ और एनुलम को मैं अपनी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णु है, मैं अजमेर सिटी से बिलोंग करता हूँ। मुझे सीपैट के बारे में न्यूज़पेपर से पता चला था और मैं बेरोजगार था तो मेरा एडमिशन यहाँ सीपैट में हुआ, जहाँ पर मुझे प्लास्टिक ब्लो मोल्डिंग की मशीन के बारे में सिखाया गया था और मटेरियल के बारे में जानकारी दी गई थी। मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे फिन प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब मिल गई जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं अंत में एनुलम और सीपैट को धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, मैं अलवर ज़िले से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सीपैट में एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ जो डे एनुलम कार्यक्रम के तहत है। मुझे इसके बारे में जानकारी मेरे एक जयपुर में रहने वाले एक रिश्तेदार के द्वारा मालूम हुआ मुझे। यहाँ पर मैंने अपना पंजीकरण कराकर और यहाँ ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक को प्रोसेसिंग करने की बहुत सारी मशीनें हैं जिनको हमें सिखाया जा रहा है। इसको करने के बाद मुझे एक अच्छा रोज़गार मिलने की उम्मीद है जो मुझे यहाँ से दिलाया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी चौधरी है, मैं बूंदी जिले की रहने वाली हूँ, बूंदी जिले के पास केशराय पाटन की। मेरे भैया को नगर पालिका से पता लगा था कि यहाँ पर कोई कोर्स हो रहा है प्लास्टिक से संबंधित, तो मेरे भैया ने हमें आके बताया था घर पे और मैंने इसके लिए अप्लाई किया बूंदी जिले में जाके। यहाँ रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, जैसे हॉस्टल व्यवस्था बहुत अच्छी है,
खाना पीना बहुत अच्छा है, हमें ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी तरह से सिखाई जा रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम सुभाष चंद है, मैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट और राजाखेड़ा तहसील से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ के बारे में, सीपेट के बारे में मेरे दोस्तों से पता चला। दोस्तों ने मुझे बताया कि वहाँ से तुम कोर्स कर लो, तो मैं यहाँ आ गया। तो एनुअल में मेरा सिलेक्शन हो गया और यहाँ पे छात्रावास है, इसकी सुविधा उपलब्ध है, खाने की पीने की सबकी सुविधा फ्री में उपलब्ध है। यहाँ से MOTR का कोर्स कर रहा हूँ मैं, MOTR मशीन ऑपरेटर टू रूम का। इसमें जो डाई होते हैं, मोल्ड बनाए जाते हैं, जो लेप मशीन, मिलिंग मशीन, खराब जो सब मशीनों पर ट्रेनिंग, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें मोल्ड वगैरह बनाए जाते हैं, जो प्लास्टिक के पार्ट बनते हैं उसके मोल्ड हमारे टूल रूम में बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमको बताया गया है। मैं इस NULM और CPET का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये कोर्स करने का मौका मिला। जो बोल रहे हैं सोनिया, सत श्री अकाल। मेरा नाम धीरज सिंह है, मैं बूंदी का रहने वाला हूँ। मेरा कोर्स है MOTR मशीन ऑपरेटर टूल रूम, और इसके अंदर CNC मिलिंग, CNC लेथ और डीलिंग है। इस कोर्स के बारे में मेरे अंकल ने बताया, मेरी ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे हॉस्टल सुविधा बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं CPET और NULM वाले को धन्यवाद देता हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CPET CSTS भारत सरकार की संस्था है, जो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण एवं तकनीकी सेवाएं प्रदान करना है। हम CPET में दो प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, एक तो दीर्घकालीन प्रशिक्षण होता है, दूसरा अल्पकालीन प्रशिक्षण होता है। अल्पकालीन प्रशिक्षण में काफ़ी संस्थाओं द्वारा हमें प्रायोजित करके कार्यक्रम मिलता है, इसमें से एक NULM के द्वारा हम NULM स्कीम में ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं बच्चों को, जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग एवं प्लास्टिक टूलिंग के क्षेत्र में 3 से 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। और इन 3 से 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम बच्चों को मशीनों पर ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो मशीनें हैं, इंडस्ट्रियल मशीन होती है, जिसको चलाने के बाद हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे प्लेसमेंट विंग है, सभी बच्चों को 100% रोजगार दिलाने के लिए तैयार रहता है। और हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे यहाँ से पास होते हैं, उनको सभी बच्चों को अच्छे अच्छे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में नौकरी मिल जाती है। NULM के द्वारा हम भविष्य में और बहुत से प्रोग्राम करना चाहेंगे, ताकि जो राजस्थान के गरीब बच्चे हैं, जो शहर में रहते हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके।